आप इस तरह हमें बेइज्जत मत किया कीजिए। लोग कहेंगे ना दुल्हन बनने लिए क्या आया के बेगम। बाजी मैं आ गई, आपकी रसोई में क्या मदद करूं? अगर आप पिंक कलर पहन रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ पिंक ही हो। उनका मैं बहुत ही पुरानी वाइफ रखती हूँ मीनपति। सो प्रिट। सो आप है दुल्हन, आपको चमकना है और चमक। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज वो दोस्त ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे जो हमेशा मुझसे बोलते रहते हैं कि मैं ऐसा मेकअप लुक तैयार करूँ जो न्यूली ब्राइड्स करें। क्योंकि शादी के बाद मुझे लगता है, वैसे अच्छा भी है कि आपको तैयार होकर रहना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि शादी वाले दिन आप लोग मेकअप आर्टिस्ट को हायर कर लेते हैं एक अगले दिन एक पिछले दिन, पर उसके बाद आपको मेकअप पता नहीं चलता कि कैसे करें। एंड आप चिंता मत करें, आपकी मैं हेल्प करूँगी कि आपको कैसे 0 to 1 यहाँ तक पहुँचना है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ईजी, आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्रोडक्ट एंड हाई एंड भी अपने फेवरेट आपको बताऊँगी एंड बहुत सारी टिप्स एंड हैक्स बताने वाली हूँ अंदर, ताकि आपका जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड बहुत अच्छी फ्लॉलेस फिनिश आए, ऐसे लगे कि आपका जो मेकअप है किसी आर्टिस्ट ने किया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मेकअप से रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, आपके रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बार में छोड़ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर से करें एंड बेल को भी क्लिक करना, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई प्यारी वीडियो आए आप उसको मिस नहीं करें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी वीडियो लगेगी, क्योंकि जब मैं मेकअप की वीडियो बनाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि बहुत आसान लैंग्वेज में बहुत मज़े से आपको सिखा पाऊँ कि आप सीख लें। मैं सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं दिल से बनाती हूँ, आपको पता चल जाएगा अभी। सो मेकअप करने से पहले, सबसे पहले आप अपने स्किन को अच्छी तरह प्रेप कर लें। आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, टोनर लगाएं, जैसा भी आप अपने स्किन केयर फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आप फ्लॉलेस मेकअप चाहते हैं, स्किन का प्रेप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि दूसरे का मेकअप बहुत अच्छा फ्लॉलेस है, मेरा क्रैक हो रहा है, स्किन पपड़ियाँ उतर रही हैं, बहुत सारे कंसर्न है ना, वो सारे आप अच्छी तरह प्रेप नहीं करते हैं। मैंने मेरी स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगाया है सो फार एंड एक सनस्क्रीन। सो अगली बारी आती है प्राइमर कि प्राइमर अपनी स्किन की कंडीशन के हिसाब से लगाएं। अगर आपका चेहरा ड्राई है तो लुमिनस चमक वाला प्राइमर लगाएं। मैं ना वर्ड्स को इधर उधर कर देती हूँ, प्लीज़ ज़रा ध्यान रखना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंड अगर आपकी स्किन है ऑयली तो ऑयल को कंट्रोल करने वाला प्राइमर लगाएं। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर लगाएं। मैं लगाने वाली हूँ ये सुपर गूप का अनसीन सनस्क्रीन। ये अच्छा काम करता है एज अ बेस और ये बहुत ही प्यारा ट्रांसपेरेंट किस्म का जेल जैसा सनस्क्रीन है। एंड आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे स्कार्स हैं एंड मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि मैं सनस्क्रीन अच्छी तरह लगाऊं, ताकि जो मैं स्किन केयर फॉलो कर रही हूँ उसमें मदद हो। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो जितनी मर्जी स्किन की देखभाल कर ले कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सन सब कुछ डैमेज कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। सो ये जो अनसीन सनस्क्रीन है ना, ये अच्छा काम करता है एज अ मेकअप बेस या फिर प्राइमर। मेरी स्किन अच्छी खासी ऑयली है, मेरे पे बहुत अच्छा काम करता है ये। नेक्स्ट बारी आती है आपके स्कार्स को कंसील करने की। ये बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि आप कंसीलर पहले लगाएं, फाउंडेशन पहले लगाएं, कलर करेक्टर पहले लगाएं। आपकी मर्जी है, कोई रूल नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करें। मेरे हिसाब से आप फाउंडेशन पहले लगा लें, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि आपके स्कार्स को कितनी कवरेज मिल गई। फिर आप स्पॉट्स पे कंसील कर लें ताकि और ज़्यादा कवरेज मिल जाए और आपका फेस केकी ना लगे। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पहले आप स्पॉट कंसीलिंग कर लें फिर फाउंडेशन लगा लें, पर जब आप फाउंडेशन लगाते हैं जो आपने स्पॉट कंसीलिंग की होती है वो मूव हो जाती है और स्कार फिर से दिखने शुरू हो जाते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम हैं ब्राइड। और मुझे ब्राइड बने बहुत लंबा समय हो गया, मेरी शादी हुई थी 2008 में एंड 15 साल हो गए। चलो जब भी फील कर लो न्यू ब्राइड है, दी फीलिंग लेते रहते हैं और क्या है ना। सो मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। फाउंडेशन अपनी पसंद का लगाएं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, अगेन स्किन के हिसाब से। अभी इस वीडियो में हम बताने नहीं वाले हैं कि फाउंडेशन कैसे चूज करें, उसके लिए मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं। पर जैसी भी आपकी स्किन है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो चमक वाला लगाएं लुमिनस, या फिर अगर आपकी स्किन ड्राई है ऑयली है तो आप ऑयल कंट्रोलिंग, जैसे फिटमी का ये मैट पोरलेस बहुत अच्छा काम करता है। मैं जो शेड यूज करती हूँ वो है 220, पर आज मैं नार्स का लगाऊंगी। पर मैं कोशिश करूंगी कि आपको अफोर्डेबल ऑप्शंस भी देते रहे। ये जो शेड है इसका नाम है वनातू, को मैं सीधा अपने चेहरे पे एक पिद्दी पंप इधर और अद्धे से भी कट एक एक बूंद इन तीस एरिया पे
दैट्स इट, इसी से शुरू करेंगे, अदरवाइज क्या होता है कि आपका फेस केकी होना शुरू हो जाता है। एक और टिप बताना चाहूंगी गाइस, जब आप मेकअप करते हैं ना, कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, पतले से मोटे की तरफ जाएं, जैसे ऑयल बेस लगाएं, वाटर बेस लगाएं, फिर ऑयल लगाएं, फिर क्रीम लगाएं, फिर फाउंडेशन, ऐसे थिक की तरफ जाएं। ऐसे नहीं कि आपने बहुत अच्छा थिक मेकअप कर लिया, अब अचानक से आप ऑयल लगाना शुरू कर दें, मत करें। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो वाटर बेस्ड ऑयल से मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अनलेस आपकी, आपको पता होगा कि आपकी स्किन कैसी है, कई तरह की ड्राई होती है, एक ड्राई होती है जिसमें ऑयल की कमी है, एक ड्राई होती है जिसमें पानी की कमी है, और हम उन दोनों को कंफ्यूज करके ऑयल लगाते रहते हैं और फिर वो हमारे पोर्स इतने ज्यादा बुरी तरह क्लॉग हो जाते हैं ऑयल ज्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से। सो एग्जामिन करें कि आपको क्या जरूरत है। मेरी स्किन ऑयली है और मुझे लगता था कि मेरी स्किन ड्राई है और मैं बहुत ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट लगाती रही और फिर मेरी स्किन की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होगी। ये जो सारा कुछ हुआ है गलत प्रोडक्ट लगाने की वजह से हुआ है। एंड देन मुझे पता चला कि एक्चुअली मेरी स्किन में ऑयल की कमी नहीं है, पानी की कमी है। सो जब से मैंने हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट लगाना शुरू किया, मेरी स्किन की कंडीशन सही होगी, सारे जो भी मेरे चेहरे पे पिंपल थे सारे चले गए, दोबारा नहीं आए वो, बट अब मेरे चेहरे पे रह गए स्कार्स, क्योंकि मुझे अपनी स्किन को पिक करने की बहुत ज्यादा आदत थी, अभी भी है, पता नहीं कंट्रोल ही नहीं होता मुझसे। दैट्स प्रोडक्ट अपनी स्किन के हिसाब से लगाए। सिमोर का ब्रश है, ये ब्रश को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे पास मेकअप ब्रशेस की किट है जिससे आप पूरा मेकअप कर सकते हैं, ब्राइड्स के लिए मस्ट है क्योंकि आपको सारा मेकअप करना होता है ना, आप वो खरीद सकते हैं। अभी इस ब्रश के साथ मैं डैबिंग मोशन में ही फाउंडेशन लगाऊंगी, इससे कवरेज ज़्यादा मिलती है एंड ये ज़्यादा अच्छा है एंड प्रोडक्ट कम वेस्ट होता है। आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये नहीं है कि जो किताब में रूल लिखे हैं उसी के हिसाब से काम करें, जो तो डल करता वैसे करें, क्योंकि जब आप अपने तरीके से चीज़ें करते हो ना तो ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आप सिर्फ रूल बुक के हिसाब से चीज़ें करेंगे आपको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। सो लकीर के फ़कीर मत बने, अपने रास्ते अलग से बनाएं, या आपको पता होना चाहिए कि तरीका क्या है, बाकी अपन अपने हिसाब से करें। मैं आपको वैसे बता रही हूँ, डैबिंग मोशन ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जब ऐसे ऐसे रब करते हो तो स्किन उखड़ जाती है, डैबिंग मोशन में वो सेट रहती है, और अगर आपके चेहरे पे स्कार्स हैं तो डैबिंग मोशन ज़्यादा अच्छा कवरेज देता है। सो मुझे लगता है कि डैबिंग मोशन में लगाना हर तरीके से सही रहेगा, आप देखें कि कितनी अच्छी कवरेज आ गई है। अगर आप ब्राइड हैं एंड अब आप अच्छे पैसे स्पेंड करना चाहते हैं अपनी मेकअप किट पे एक बार साल के लिए, आप नार्स का ये हाई एंड फाउंडेशन ज़रूर से खरीदें, बहुत अच्छा है हर एक स्किन टाइप के लिए, नेचुरल फिनिश है इसकी, ना ये ज़्यादा शाइन देता है ना ही ये मैट है, एंड बहुत अच्छी कवरेज है। एक ही बार में मेरे सारे स्कार्स छुप गए और स्कार मेरे कितने बुरे हैं। सो अब ये फाउंडेशन से हमें पता चल गया कि हमारे स्कार्स को और कितनी कंसीलिंग की ज़रूरत है, ऐसे आप ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि फाउंडेशन तो एक बार हमें लगाना ही है। ब्लेंडिंग में खूब सारा समय स्पेंड करें ताकि आपका जो मेकअप है फ्लॉलेस लगे, क्योंकि फोरहेड पे लगाएं, आईज की तरफ, हर तरफ, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। मेरी ना मेकअप वीडियोस कई बार मेरे हस्बैंड भी देखते हैं एंड फिर वो कहेंगे कि या पेंट करिए आंधी को। एक्चुअली ये एक पेंट ही है, हमारा चेहरा हमारा कैनवस है, जैसा भी आप इसको बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। एक ना मैं गल दसना चाहती हूँ, मैंने चेता भर गया, ओह यहाँ याद आ गया। एक फाउंडेशन के एप्लीकेशन से मुझे लग रहा है कि मैं इस कवरेज से खुश हूँ एंड अब मैं और कुछ नहीं करना चाहूंगी। अब हम हमारे चेहरे को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, अफोर्डेबल में एल्फ का हाइड्रेटिंग कैमो कंसीलर, शेड का नाम है लाइट बेज, बहुत अच्छा है ये, ये खत्म होने वाला है, ये ट्राई कर सकते हैं। पर आज मैं यूज करने वाली हूँ टार्ट का सी कंसीलर, 25N है इसका, लाइट टू मीडियम, एंड इसकी जो अंडरटोन है वो न्यूट्रल है, एंड इससे मैं आईज के इस एरिया में एक बूंद थे गाइस। एक बात बताना चाहती हूँ, आप ना कोशिश करें कि अंडर आईज़ के नीचे कंसीलर ही लगाएं, फाउंडेशन ना लगाएं, क्योंकि फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी ऐसी होती है कि वो लाइंस दे देता है और वो आपको नहीं चाहिए, क्रीजेस बना देता है। आप कंसीलर ही यूज़ करें, कंसीलर थोड़ा थिक होता है। एंड दूसरी चीज़ बोली मैंने, इसी ब्रश से हम डैबिंग मोशन में ही कंसीलर को ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा आईलिड पे भी लग जाएगा, अच्छा है क्योंकि उससे हमारी आई शेडो का कलर थोड़ा उभर के आएगा। इससे ना आई आपकी थोड़ी लिफ्टेड लगती है, अगर आप मेरी तरह थोड़े एज्ड हो रहे हैं। गाइस समा इतनी जल्दी बीतता है ना, आप बिलीव क्यों नहीं करेंगे, आपका भी तो बीती रहा होगा।
एक और बात बताना चाहूंगी, अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, आप ये वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं, एकदम से अचानक से नए प्रोडक्ट यूज करना मत शुरू कर दे, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की फिनिश आपके चेहरे पर अलग से लगती है। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करें जो आपके साथ फेमिलियर है, आपको पता है कि आपके चेहरे पर कैसे रिएक्ट करेंगे, 5 घंटे रहेंगे, 10 घंटे रहेंगे। सो अगर आपकी शादी होने वाली है तो 1-2 हफ्ते पहले ही आप ना प्रिपेयर करना शुरू कर दें, 1 हफ्ता नहीं, महीने पहले ही आप प्रोडक्ट्स को चूज करना शुरू कर दें, एंड देन जो आपकी लिस्ट में सबसे खरे उतरते हैं उसको अपने स्पेशल डे के लिए रखें। एवं अचानक नहीं एक दिन कोई नवा प्रोडक्ट खोलिया एंड सोचे कि सही है, फिर बाद में दुखी हो कि हाय हाय मेरा मेकअप किधर हो गया। होता है ऐसे, बहुत दुख होता है दोस्तों, बहुत दुख। मैं तो वही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो मुझे पता है कि मेरे चेहरे पे कैसे लगेंगे। सो शादी के बाद आपको कितने सारे इवेंट्स में जाना है, कितने लोगों के घर रोटी खान जाना है, डिनर करने के लिए जाना है, दावतें होंगी, पार्टियाँ होंगी, बहुत मज़ा आएगा गाइस। बस दावतों के लिए शादी करने वाले हो आप, आई डोंट नो, अगर आपको दावतों पर जाना अच्छा लगता है तो। सो फाउंडेशन एंड कंसीलर से हम लोग डन हैं। अब आप कन्फ्यूज़ होंगे, पहले ब्लश लगाएं, ब्राउनजर लगाएं या फिर कॉन्टोर करें, क्या करें? सो अब आप फिर से वही मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्रीम लगाते हुए पाउडर की तरफ जाएंगे। जब हमने पाउडर लगा लिया देन हमारा एंड है, उसके बाद हम कुछ और नहीं लगाएंगे। इसलिए अगर आपका कॉन्टोर क्रीम है तो उसे लगा लें, अगर आपका पाउडर है तो उसे बाद में बचा के रखें। मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले ब्लश लगा लेती हूँ, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी मेरे चेहरे पे सारे ही पाउडर हैं। ब्लश मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लेती हूँ, उसके बाद जब मैं फेस को सेट करती हूँ तो ब्लश भी अच्छी तरह सेट हो जाता है, ऐसा लगता है कि जो रोजी ग्लो है मेरे अंदर से आ रहा है। मैं ये मिलानी का लुमिनोसो शेड यूज़ कर रही हूँ, ये हमारी ब्राउन स्किन या ऑलिव टोन पे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा हंसे और इस एरिया में लगाएं, ज़्यादा चीक्स के ऊपर मत लगाएं क्योंकि फिर चीक्स मोटी लगनी शुरू हो जाती हैं, अनलेस आपकी चीक्स पतली पतली हो। सो इस एरिया में ही हम लगाएंगे अच्छी अमाउंट में। अगला स्टेप है, मैं लगा लेती हूँ, मेरे फेस को सेट करेंगे। फाउंडेशन को सारी चीज़ों को सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अफोर्डेबल में आप ये लॉरियल का इनफेलेबल फाउंडेशन यूज़ करें, पाउडर फाउंडेशन, क्योंकि इससे बहुत अच्छी कवरेज आती है, अलग से कवरेज आ जाएगी, आपका फेस बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगा एंड सेट भी हो जाएगा। ये फाउंडेशन है, पाउडर फाउंडेशन, पाउडर प्रोडक्ट्स के ही अपना फेस सेट करें। सो मैं स्कार्स एरिया से करना शुरू करती हूँ। और जो लोग पैसे खर्चना चाहते हैं उनको मैं रेकमेंड करूंगी मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन, पाउडर फाउंडेशन बहुत अच्छा है, पर आज हम इसी को यूज कर लेते हैं। हमने मेरी अपने इस एरिया को सेट कर लिया, जहाँ पे मुझे ज़्यादा कवरेज चाहिए वहाँ पे मैं ये पाउडर फाउंडेशन यूज़ करूँगी। अब हमारा मेकअप ऐसा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए फेस का कि हिले नहीं, उसके लिए आप ना लूज पाउडर ज़रूर से यूज़ करें। ये मॉर्फी का लूज पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये कैट्रीज का लूज पाउडर भी बहुत अच्छा है, आज हम मॉर्फी का यूज़ कर लेते हैं, ये भी अफोर्डेबल में ही आता है। सो मैं क्या करूँगी, एक पफ लेंगे हम, ये आपको अमेजोन से मिल सकते हैं, पाउडर लें लूज एंड ऐसे ही अपने चेहरे पर मत लगा लें, इसे हैंड पर रब कर लें, एक्सेस पाउडर को उतार दें, क्योंकि अदरवाइज वो आपकी क्रीज में भर जाएगा। अनलेस आप बहुत ज़्यादा जवान हैं तो फिर ठीक है, पर अदरवाइज अगर आपके चेहरे पर थोड़ी सी भी लाइन्स हैं तो बहुत अजीब लगेगा। सो हमने एक्सेस उतार दिया है एंड हमारी अंडर आइज को हम सेट कर देंगे जो हमने कंसीलर लगाया था। मेक श्योर करें कि ज़्यादा प्रोडक्ट ना हो, नहीं तो इतनी ही थोड़ियाँ फाइन लाइन्स में भर जाएगा अंडर आइज और आप बुढ़े लगने शुरू हो जाओगे। जवान लग के ही लाना है तो बुढ़े हम ज़्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं एंड अपनी खूब सारा पाउडर ले एंड चिक बोन के नीचे आप लगा सकते हैं इस एरिया को सेट करने के लिए एंड देन अपनी चिन को एंड गर्दन को भी कर दे, एक्सेस को उतार के थोड़ा फोरहेड, बचा है प्रोडक्ट सारे चेहरे तक कमा गए। सो वी आर डन। अब मैं अपने फेस को शेप देने के लिए, कॉन्ट्रोल करने के लिए भी पाउडर प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ, फाउंड इट। सो वो है लॉरियल का इनफेलेबल ब्राउनजर, इसमें कोई शाइन नहीं है, मैट पाउडर है, बहुत ही ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, क्रीमी किस्म का है पाउडर एंड इससे आपका फेस भी सेट हो जाएगा एंड अच्छा कॉन्ट्रोल हो जाएगा। सिमोर का ये वाला ब्रश यूज़ करूँगी मैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे, एक्सेस को उतार देंगे, सबसे पहले हमारी चिक बोन्स पे लगाएंगे, बस आए के इतने तक ही लाना है, इतने तक नहीं लाना। और हेयर लाइन पे लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे आपकी जो हेयर लाइन है चिट्टी चिट्टी हो जाती है, बहुत अजीब लगती है, आपको लगेगा कि वो बहुत कूल लग रहे हैं पर एक्चुअली नहीं है। अभी लगा लें हम, बाद में पाउडर फाउंडेशन के साथ सेट कर देंगे। आपको अपनी ये जो जॉ लाइन है आपको सिजल्ड चाहिए तो यहाँ से कॉन्टोर करना शुरू करें एंड देन चिन, अगर आपकी चिन मेरी तरह है जो मर्जी कर लें, इतना ज़्यादा नहीं छुपेगी पर इससे फ़र्क काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। अभी नोज़ को आप परफेक्शन के साथ छोटे ब्रश के साथ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, वो भी पाउडर के साथ ही आप कर लें।
सो ये जो मेकअप है ना, ये बिगिनर लेवल का है। फिर जब आप स्पेशल बन जाएंगे तो जो मर्जी कर दे रहे हो। सो हमारा हो गया है चेहरा कॉन्टोर। अब जिस ब्रश से हमने फाउंडेशन लगाया था उसी से हम ये सारी चीज़ों को कर देंगे सेट, ताकि एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच हो जाए डैबिंग डैबिंग मोशन में। और प्रोडक्ट नहीं लेंगे, जो उस पर बचा हुआ प्रोडक्ट है उसी के साथ। इस पॉइंट पे अगर आपको लगता है कि आपका ब्लश छुप गया है, थोड़ा सा और लगा लें। अब हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप करने से पहले हम आईब्रोज को सेट कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको करना क्या है, क्योंकि आईब्रोज सेट नहीं होते ना, आपको पता नहीं चलता है। पूरी लेके आईब्रो हेयर को ब्रश ज़रूर से करें, क्योंकि जो भी आपने फेस प्रोडक्ट लगाए हैं वो वहाँ पे जम जाते हैं कार्बना के, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपके आईब्रो है कैसे, कि कितने प्रोडक्ट की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा लगा लेंगे तो वही गल हो जाएगी कि क्यों हो जाएंगे आईब्रोज। लॉरियल की इनफेलेबल ब्रो जेल ले रही हूँ, डीप इट ब्रूनेट हेयर शेड का, एंगल पे हम लेंगे एंड हमारे आईब्रोज को लाइटली फिल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डार्क वियर्ड मत करें, जैसे आपके नेचुरल है उसी के साथ प्ले करें। थोड़ा सा शेप दे सकते हैं पर इतना भी डिफरेंट मत क्रिएट कर लें। स्पेशली इस एरिया में काफ़ी लाइट हाथ रखें, पीछे आप थोड़ी कलाकारी कर लें चलेगा, पर ऐसे नहीं। एक लाइन सी ड्रॉ की है मैंने, उसके बाद मैं ऐसे ऐसे ब्रश ऊपर की तरफ लगा रही हूँ जैसे बालों की ग्रोथ है, ताकि ज़्यादा नेचुरल सा लगे। देन हम कलर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इधर उधर, इसी तरह इस तरफ कर लेते हैं। कल याद रखें कि आपके जो आईब्रो है ना, वो ट्विंस नहीं है, वो पैना है या फिर बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ट्विंस नहीं है कि एक दूसरे की तरह बिल्कुल सेम लगेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है। सो थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है मैंने, इसको थोड़ा सा क्लीन सी लुक देंगे एंड ब्रश को ड्रैग कर देंगे एंड बाहर आते तरफ उठा लेंगे, समथिंग लाइक दैट, ताकि नेचुरल लगे। एंड उसके बाद फिर से ब्रश के साथ हम इसको कंघी करेंगे। उसके बाद फिर से इस पुली के साथ ब्रश करेंगे, ताकि जो कलर है वो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तब वो में मत रहे। सो दिस इज डन एंड मैं इसको सेट करने के लिए ये ग्रेट लैश मस्कारा यूज करती हूँ, शेड है ब्राउन। इससे फिर जो मेरे आईब्रोज हैं, शाम तक जब तक मैं इस मेकअप को रिमूव नहीं करूँगी, वैसे रहेंगे एंड जड़े बाल उड़ते फुड़ते हैं वो भी। ये अफोर्डेबल ऑप्शन है ये काम करने के लिए। बाजार में आईब्रोज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पैसे जितने मर्जी आप करते रहें, हर चीज़ को अलग प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो जी, ये काम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम करेंगे आई मेकअप। मैं आपको बताऊंगी सबसे आसान आई मेकअप, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यारी ब्राइड लगे। ओके, आज मैं मेकअप कर रही थी, मुझे एक बात याद आ गई। मेरी एक कज़न थी, तब मैं आई थिंक 9th क्लास में थी और उसकी शादी हो रही थी। यस, वी वर वेरी हैप्पी, सब कुछ अच्छा है। शादी में 2 दिन रह गए तो वो ना क्राई कर रही रूम में बैठ के। हमने सोचा कि क्या हुआ, और वो कह रही कि मेरी शादी, तीसरे दिन शादी थी, कि मुझे बिल्कुल तैयार होना नहीं आता, मैं शादी के बाद तैयार कैसे होंगी। एंड फिर उसकी एक दोस्त है, हम तो बहुत छोटे थे, हमें क्या पता कैसे तैयार होंगे, हम 9th में थे, हम मेकअप तो हमारी दुनिया में था ही नहीं तब, यू नो, 90s में। तो फिर उसकी एक दोस्त आई, वो उसको आईलाइनर लगाना सिखा रही और वो सारा कुछ गलत हो रहा, लिप लाइनर लगाना सिखा रही, वो रो रही कि मैं क्या करूं। वैसे हो सकता है राइट, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई में बिजी रहते हैं या मेकअप में इंटरेस्टेड नहीं होते, पर शादी के बाद वो थोड़ा अच्छा ग्लैम अप होना चाहते हैं। तो ये वाली वीडियो वैसे टाइम में काम आएगी, कि इतना मुश्किल नहीं है, इतना रोने की जरूरत नहीं, दुखी मत हो, आप बहुत प्यारी ब्राइड लगोगे, आपको बस खुश रहना है। अंदर से जब खुशी आएगी ना, सब कुछ अच्छा लगेगा। अरे टेंशन मत लेंगे, आपको हमेशा ग्लैमरस ही रखना है। अब मैं पिंक की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, पता नहीं मेरे पास पिंक आई शेडो होंगे या नहीं, लेट्स सी। ओह यार, इसमें है, चलो। सो ये है मॉर्फी की पैलेट, इसमें है ये वाला पिंक शेड। इस पिंक को हम एक फ्लफी से ब्रश पे लेके हमारी क्रीज में लगाएंगे। ओके, क्रीज में लगाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है कि जो उनका आई मेकअप है, आई शेडो है, वो बहुत उभर के नहीं आता है। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है कि आप अपने ना आईज को प्राइम नहीं करते हैं। प्राइमर लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे आई शेडो प्राइमर बाजार में अवेलेबल है। अगेन, आपको हर एक प्रोडक्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना कंसीलर लगाएं अपने ब्रश के साथ, उसको डैब डैब करें। अभी कंसीलर जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके पास है, लगा के डैब करके हम इसको सेट करेंगे। फाउंडेशन मत लगाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी पतली होती है और वो क्रीजेस में भर जाएगा एंड ओवरली फिनिश नहीं आएगी जो थिक कंसीलर के साथ आएगी। इसी पाउडर के साथ इस आई प्राइमर को हम सेट कर देंगे। सो नाउ वी कैन
जो मैंने पिंक शेड लिया है एक्सेस को उतार देंगे और हमारी क्रीज में हम यहाँ बाहर की तरफ जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे पूरा कलर प्लेस करेंगे, ठीक है। देन हम अंदर की तरफ इसको ड्रैग करेंगे लाइक दिस क्रीज में एंड बाहर की तरफ भी ऐसे फ्लफ आउट करेंगे। ब्रश को उठा लेंगे जब बाहर जाता है, हमेशा पकड़ के नहीं रखेंगे एंड ब्रश को बहुत हल्के हाथ से पकड़ना, द टाइट द पेंसिल की तरह नहीं, ताकि अच्छा लगे कलर। एंड इसको अंदर की तरफ ब्लेंड करें एंड ब्रश पे और ज़्यादा कलर मत लें क्योंकि फिर बहुत इंटेंस लगना शुरू हो जाएगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो बचे हुए प्रोडक्ट को क्रीज के अंदर करें। जब आपको लगता है कि अब बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं बचा तो हम इनर आई कॉर्नर में भी कर देंगे। तो इस तरह हमारा ये पिंक किस्म का क्रीज कलर तैयार हो गया है। जब हम छोटे थे तो मैंने देखा है कि सारे दुल्हने के पास एक आई शेडो पैलेट होती थी जिसमें मेहरून कलर, पिंक कलर, ऐसे ब्राइट ब्राइट कलर होते थे, बस वो बस आईज पे पिंक लगा लेती थी। आप ऐसे मत करना, अगर आपको पिंक भी लगाना है तो स्ट्रॉन्ग से लगाएं पर ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पे लगा के अंदर की तरफ बाहर की तरफ, ताकि हमारी जो आई है लिफ्टेड लगे, कैट आई जैसा इफेक्ट आए। एंड देन क्रीज में लगाएंगे जो बचा हुआ है उसको इनर आई कॉर्नर में। एक और चीज बताना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि आप मैस कर देंगे तो आप टेप लगा लें, टेंशन मत लें, ठीक है। अगर आप इसी पिंक को और इंटेंस करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा शौक से करें। मैंने और दूसरा पिंक ले लिया है, तो ये वाला पिंक थोड़ा सा लिया है मैंने मेरे ब्रश पे एंड अब जहाँ पे हमने पहले कलर लगाया था उससे थोड़ी सी आगे आएंगे, एक कदम नहीं टाइनी बिट आगे आएंगे एंड यहाँ पे लगाएंगे क्रीज में एंड देन इसे इनर आई कॉर्नर में एंड क्रीज को मैच कर देंगे। सो आप यहीं पे बंद कर सकते हैं, जो भी आप कर रहे हैं ये सारा कुछ बंद कर दें एंड आप शिमरी शेड लगा लें कोई, आप डन है। सो शिमर शेड के लिए भी हम इसी में से कुछ चूज कर लेते हैं, अनलेस आपको बहुत इंटेंस लुक चाहिए, आपकी मर्जी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे बताना, फिर हम और भी करेंगे। ओके, ये वाला कॉपर सा लेते हैं, मुझे लगता है ये हर एक आउटफिट के साथ अच्छा लगेगा। एंड हम फिंगर पे लेके हमारी आई बॉल के ऊपर, जहाँ पे हमारी आई बॉल है वहाँ पे हम टैप 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 कर देंगे। ओह दिस इज क्यूट। ओके गाइस, अगर आप दुल्हने कुछ इस तरह के एक पैलेट खरीद लें ताकि इससे आप नेचुरल पार्टी शार्टी एवरीथिंग ग्रीन हरे पीले नीले सारे मेकअप तैयार कर पाएं, आपको बहुत ज़्यादा पैलेट्स की ज़रूरत नहीं है। सो जो फ्लफी ब्रश से मैंने पिंक लगाया था ना, उसी से हम बहुत लाइटली इसको ब्लेंड करेंगे। हम नहीं चाहते कि ये जो शिमरी शेड है हमारी क्रीज में जाए, क्योंकि क्रीज में शिमर्स नहीं सही लगते हैं। तो इसको हम एक दूसरे के साथ मिला देंगे बिना कोई झगड़े के। दिस इज़ डन। लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे, पिद्दी ब्रश लेंगे सबसे पहले न्यूट्रल शेड लोअर लैश लाइन पे। थोड़ा सा भी कलर को मिक्स मैच करें ना, आपकी जो लुक है डिफरेंट लगनी शुरू हो जाएगी। सो अब क्या करेंगे, क्लीन ब्रश लेके जो पिंक मैंने लगाया था ना, उन दो पिंक को मिक्स कर लेंगे। जब आप अपनी लोअर लैश लाइन पे पिंक या लाल या कुछ ऐसा कलर लगाते हैं तो मस्कारा लगाना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि अदरवाइज आप लगेंगे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित। क्रोधित मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप अगर पुराने रामायण महाभारत देखते होंगे जब उनको गुस्सा आता था ना, तो उनके लोअर लैश लाइन पे पिंक या लाल आई शेडो लगा होता था। सो अगर आप क्रोधित नहीं लगना चाहते तो ज़रूर से मस्कारा लगाएं। मस्कारा लगाना भूलने मत, नहीं तो लगेगा ये क्रोधित ब्राइड कहाँ से आ गई। और इस बचे हुए को हम ये कॉर्नर में लगा दें। इस पॉइंट पे आप अपने आई मेकअप से डन हैं। अब आप के ऊपर है, अगर दिन का फंक्शन है तो आप ऐसे भी रह सकते हैं, अगर रात का है तो आप काले रंग का काजल भी लगा सकते हैं, पर मैं काजल नहीं लगाने वाली हूँ, नहीं मन कर रहा है मेरा। एक काम मैं ज़रूर करूँगी जो कि है आई लाइनर जैसी लुक क्रिएट करना, उसके लिए मैं ब्राउन ये वाला, ये एंड ये ब्राउन, इन दोनों को मिक्स करके डार्क सा एक शेड बनाएंगे, ब्लैक नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हम लाइनर जैसी लुक क्रिएट कर देंगे ये सिमोर के पिद्दी ब्रश के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि देसी ब्राइड को थोड़ा सा स्मोक्ड आउट लुक चाहिए ही, खूबसूरत लगती है राइट देसी आउटफिट्स के साथ। अगर आप अपने आई रंगों को थोड़ा सा चेंज करें तो आप कोई और लुक क्रिएट कर सकते हैं, तरीका आप सेम यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कट क्रीज आई लुक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे बहुत प्यारे लगेंगे। सो ऐसे आईलाइनर तैयार हो गया है। अब मैं जो ब्रश पे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट है उसे ऐसे बाहर की तरफ कर देती हूँ फैन आउट, ऐसे लगता है कि मैंने लाइनर है। वेरी नाइस।
यार तोप मेरे चेहरे पे पड़ रही है। सो मस्कारा लगाते हैं, मैं लैनकॉम का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। लैशेस यूज़ करेंगे क्योंकि दुल्हन है, हमें बहुत ही ज़्यादा ग्लैम अप लगना है। पर अगर आप अफोर्डेबल मस्कारा ख़रीदना चाहते हैं तो लॉरियल का लैश पैराडाइज बहुत अच्छा मस्कारा है, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। सो यहाँ तो 15 कोड इसके लगा लें एंड लैशेस को भूल जाएं। मगर अगर आप प्यारी क्यूट दुल्हन लगना चाहते हैं तो लैशेस ज़रूर से लगाएं, लोअर लैशेस मत भूलें, नहीं तो क्रोधित बनेंगे। रिमेंबर, एक और स्टेप दुल्हन ने ज़रूर से करें इंडियन आउटफिट के साथ, कोई सा भी ब्राउन कलर का काजल अपने इनर डक कॉर्नर में ज़रूर से लगाएं, टियर डक, क्योंकि उससे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी आईज़। आप एक तरफ लगा के एक तरफ छोड़ के डिफरेंस देखना, आपको अपनी आईज़ बहुत प्यारी लगेंगी। और या फिर आप ना लिक्विड लाइनर के साथ थोड़ा सा विंग भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अरबिक पिद्दी, सी सो क्यूट। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, तो अपन की करिए कड़ी चाहिए दसनी है। सो लैशेस लगाएंगे सिमार की। आज जो मैं स्टाइल यूज़ कर रही हूँ वो है गोवा। लैशेस को लगाने के लिए मैं ड्यू ब्रांड का ग्लू यूज़ करती हूँ। सिमार की लैशेस बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। आज ना कल मैं सोच रही थी, एक ना मैंने लैशेस निकाली थी बहुत लंबा समय पहले और 20-30 टाइम हो चुके हैं मैं वो पहन चुकी हूँ, और अभी भी वो बहुत अच्छी है, मैं अभी भी वही पहनने वाली हूँ। सो सिमार की लैशेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ज़रूर से खरीद दें एंड आपकी मेकअप किट में ज़रूर होनी चाहिए। हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे स्टाइल्स हैं एंड मुझे लग रहा है कि एक पंजाब स्टाइल आपके पास होना चाहिए एंड बाकी नेचुरल भी होना चाहिए दो तीन। सो अगर आप ब्राइडल किट बना रहे हैं ज़रूर से ख़रीद लें, यू रियली नीड इट। अभी देखना आपकी लैशेस के साथ हमारी लुक कैसे 0 से 100 हो जाएगी। सो आई लुक देखे कितनी क्यूट लग रही है, और हमने बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं किया, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आज की लिपस्टिक के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे लग रहा है कि वो लिपस्टिक आपने मेरे शी ग्लैम के हॉल में देखी होगी, वो कॉम्बिनेशन है। ये शी ग्लैम की लिपस्टिक का नाम है मोजो जोजो। और जब मैं शॉपिंग करी थी उस वेबसाइट पे, मुझे लगा कि ये कलर मुझे चाहिए। आई थिंक कि ये वो वाला कलर है जो मुझे बहुत सारे लोगों के चेहरे पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा सा पिंक है। अगर आपने मेरी शी ग्लैम की हॉल नहीं देखी है तो जरूर से देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूँ। लैशेस मुझे लग रहा होगी होंगी, वाला लैशेस लगा लिए। तो पहला ऐसे रोला पै जाए, रोला क्यों पाएगा, मुझे लग रहा है कि हस्बैंड आ रहे हैं। अब ओ व्हाट यू डूइंग, यू डिडंट मेक मी परोंठी, यू सेड यू गोना मेक मी परोंठी। पंजाबी हस्बैंड इतने परोंठे क्यों खाते हैं। ट्वीज़र पे लें, ये लैशेस का ट्यूटोरियल नहीं है, लैशेस का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। पर क्या करेंगे, इसको हम प्लेस करेंगे हमारी नेचुरल लैशेस के नज़दीक, वेरी वेरी नज़दीक। लैशेस को लगाने का एक टिप आ कि उसको ट्रिम करें अपनी आईज़ के हिसाब से, दूसरा है कि जो ग्लू आप लगाते हैं उसको ड्राई होने दें, टैकी होने दें। जब वो थोड़ा चिपक जाता है तो उसको लगाना बहुत आसान हो जाता है। अब मैंने प्लेस कर दी है, अब मैं इसके कॉर्नर्स को एडजस्ट कर दूँगी छोटे शीशे में देखते हुए। दैट्स इट, कुछ सेकेंड्स लगते हैं एंड आपकी आँख लग जाएगी bomb.com। अभी अगर आप लैशेस को लगाने से डरते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी पहले ही शुरू कर दें। अभी गाइस मेकअप की प्रैक्टिस ही मत करते रहें, और चीज़ों की प्रैक्टिस भी करें। आई नो है कि मेकअप आपका नंबर वन हो और आप पानी उबालते हुए पानी को जला दें, कड़ाकड़ू बनाना भी सीख लें। मैं ये नहीं कहती कि आपको शादी के बाद कुक करने की ज़रूरत है, वो आपके पति पर डिपेंड करता, पर पहली बार अगर आपको कुछ मीठा बना के खिलाना हो और तो आप कड़ा की जगह लिट्टी बना दें। लैशेस आपकी परफेक्ट है और कड़ा आपको बनाना नहीं आता, उधर भी की फ़ायदा। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुक भी हूँ, मजाक कर रही हूँ गाइस, ठीक ठाक कुक करती हूँ मैं। ओके, एक और टिप यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो देसी कपड़े हैं उसके साथ लाइनर बहुत अच्छा लगता है। सो मैं लेती हूँ ये फेल टिप वाला लाइनर, ये हर एक बिगिनर के लिए अच्छा है क्योंकि इससे आप गलतियां बहुत कम करते हैं। सो बिकॉज मेरी आईज पे मुझे लगता है जगह कट है, अगर आपके जगह ज्यादा है तो हाइलाइनर लगा लें, नहीं तो मैं यहाँ कॉर्नर में एक विंग क्रिएट कर देती हूँ जैसे लगता है कि मैंने लाइनर लगाया है। दैट्स इट, सो इससे ऐसे लुक आएगी कि मैंने आईलाइनर लगाया पर मैंने नहीं लगाया है एंड मैंने सिर्फ कॉर्नर में विंग किया है। सो अगर आप आईलाइनर के लिए बिगिनर हैं तो फेल टिप वाला ट्राई करें। ये जो मैंने यूज किया है ये लॉरियल का फ्लैश कैट आई इनफेलेबल आईलाइनर है, ब्लैक इज ब्लैक, मुझे लग रहा है ब्लैक आपके पास होना ही चाहिए। तो अब हम लिपस्टिक लगाते हैं, सबसे पहले हम लिप लाइनर लगाएंगे मोजो जोजो। मोजो जोजो मुझे लग रहा है वो पावर पफ गर्ल्स में नहीं था मंकी, मोजो जोजो। सो लिप लाइनर लगाने से आपकी जो लिपस्टिक है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, और वैसे भी अगर आपके लिप्स मेरी तरह पिद्दी हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा पिंक शेड है जो मुझे लग रहा है कि हर एक देसी ब्राइड के पास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पिंक पहनना पसंद करते हैं, राइट। ये
ये जो शेड है वो आप नेचुरल लुक के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्मोकी आई के लिए भी, काफी ज्यादा वर्सटाइल है आई थिंक। वैसे जो आप है आपको डिसाइड करना है। सो अब हम लगाएंगे लिक्विड लिपस्टिक मोजो जोजो। गाइस एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आप पिंक कलर पहन रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ पिंक ही हो, अपनी मनमर्जी करें। मैं तो मुझे ये लिपस्टिक लगाने का चाह चढ़ गया था तो मैंने इसलिए लगाई है। मुझे ना लिपस्टिक जो भी मैं लगा लूँ, लिक्विड क्रीम मैट जो भी है, उसे नैपकिन के साथ ड्राई थोड़ा सा कलर को उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ कलर लगता है ना वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। सो हम बारी आती है बालों के स्टाइल की। दुल्हन है, कुछ वधिया वधिया स्टाइल बना लें आप। मेरा तो नहीं बनना, मैं नुला यार कुछ करना जानती है मैं चेता पल गया। ओ यार याद आ गया। सो आप है दुल्हन, आपको चमकना है और चमकने के लिए ये मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर बहुत अच्छा है, स्पेशली ये मॉल्टन गोल्ड हमारी स्किन पर बहुत अच्छा लगता है। इसको ये से मोर के ब्रश पर लेंगे एंड हमारे चेहरे पे लगा लेंगे। आप देखें कि कौन सा, मुझे लग रहा है कि इवनिंग के फंक्शंस में ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेक श्योर करें कि अगर आपकी स्किन पे कहीं पे इनपरफेक्शन है, वहाँ पे हाइलाइटर मत यूज़ करें, क्योंकि वो इनहेंस हो जाएगी। अगर पोर्स हैं जहाँ पे स्किन ज़्यादा स्मूथ है वहीं पर लगाएँ। सो फाउंडेशन ब्रश के साथ उसको बाद में सेट कर दें ताकि यू नो ऐसा लगे कि ग्लो अंदर से आ रहा है। और बिंदी बूंदी लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो। पता नहीं मेरे को हैगी कि नहीं हैगी, बट आई नीड टू फाइंड। एक पुराने जमाने वाली बिंदी लगी है। नो नो नाइस। कोका किधर होता गाइस? चलो कोका पा लें। इधर तो बढ़िया नहीं लगन दिया, इधर पा लें। ठीक है प्रॉब्लम है भाई, ज़्यादा पीछे हो गया, ज़्यादा आगे हो गया। सो प्रिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने मेकअप को सेट तो ज़रूर से करें अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो, ग्लोई रहे, डुई रहे। ये मेबलिन की लास्टिंग फिक्स सबसे ज़्यादा बेस्ट है, अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छी अमाउंट में लगाएं। मैं नहीं लगाने वाली हूँ आज, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो एंड दूजा मैं नहीं चाहती कि मेरे बालों पर पड़े। सो अगर आप कहीं पर जा रहे हैं बालों को ढक के लगाएं ताकि यू नो बाल ऑयली ना हो जाए, अगर आपके बाल ऑयली है मेरी तरह। सो इससे आपके चेहरे पे अलग सा ग्लो आएगा और जो भी आपने प्रोडक्ट लगाए हैं सारे अच्छी तरह सेटल डाउन हो जाएंगे, ऐसे लगेगा कि मेकअप किया ही नहीं। ऐसे इतना भी नहीं लगेगा वैसे, बट बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। सो ओके, मैं क्या करूँ, आप चुमके पहन लें, आप जूड़ा जाड़ा बना लें, जो भी बनवाना है किसे दो या आप, आई डोंट नो। सो मैं पिंक कलर के चुमके, आज एक्चुअली टोटली पिंक हो गया, आज तो कितना तूफानी कर लिया हमने। हाय हाय टेक गई मेरी कोली, हम कितने लपनी है मैंने। गाइस मैं नवी ब्राइड लग रही हूं, आप अगर ऐसा सोचते हैं थैंक्स, पर मेरे पति ऐसा नहीं सोचते, उनको मैं बहुत ही पुरानी वाइफ रख दी हूँ, मीन पति। एक और बात याद आ गई मुझे, शायद पंजाबी अगर कोई देख रहा है तो वो रिलेट करेंगे। अभी मेरी कोली नीचे डेक की थी राइट, एंड उससे मैं ढूंढ रही थी, एंड इतनी पिद्दी चीज़ कई बार ढूंढ मिलती नहीं है जैसे नीचे कारपेट भी है। और अगर इंडिया में जब हमारे से नीडल गुम जाती थी ना कोई सुई, तो मम्मी कहती थी कि चुन्नी दे पिच गठ बांध लो, इरादा कर लो कि मैं ढूंढ के रहूँगी। एंड जब हम इतना पक्का इरादा कर लेते थे गठ बांध के, तो मिल जाती थी नीडल। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता था। ये बात आपने सुनी है या मेरी मम्मी ने अपने मनो बनाई है? मम्मी इन मनो भी बना लेती हैं चीज़ें वैसे, पर ये एक्चुअली मैनिफेस्ट करने का तरीका है। जब आप डिसाइड कर लेते ना कि ऐसा ही होगा, आई डिसाइडेड, गठ बांध लिया आपने, तो हो जाता है। ओके सो पिंक सूट, पिंक आउटफिट, पिंक दुपट्टा, तैयार हूँ मैं शाही बेगम। कोके के साथ मैं बेगम नहीं लग रही? आपने मुझे बुलाया जी, बताइए क्या चाहिए आपको। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमें आपकी हमारी पीठ के पीछे गुफ्तगू करना बिल्कुल पसंद नहीं। आप इस तरह हमें बेइज्जत मत किया कीजिए। ऐनी तो उर्दू मुझे भी नहीं आती। लोग कहने का ना दुल्हन बनने लिए क्या है आके बेगम। सो अब न्यू दुल्हन है, आप सिंदूर भी पहन सकती हैं। सो मैं लिक्विड लिपस्टिक लेके, आई थिंक दैट्स इट, एंड थोड़ी सी बिंदी ढूंढ कर लेके आती हूँ ताकि ज़्यादा दुल्हन लगूँ मैं। ओके सो ये पिद्दी सी पिंक बिंदी मिली है मुझे, आई डोंट नो ज़्यादा पिद्दी तो नहीं है। सो या नई दुल्हन तैयार है। मैं टीवी सीरियल वाली नहीं लगा ला पी हूँ। माँ जी आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? माँ जी मैं आ गई, आपकी रसोई में क्या मदद करूँ, मुझे कुछ पकाना नहीं आता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? नहीं कुछ सिखाया नहीं। ओके आई थिंक आई एम डन विद माय फालतू टशन। तुम कितनी बेकार हो बहू,
माँ जी ऐसा मत कहिए, आप कितनी बुरी हैं। ओके दोस्तों, तो इस तरह ये हमारी फिनिश लुक आई है। मुझे लग रहा है कि प्यारी बहू क्यूट न्यूली वेड जैसी आ रही है लुक। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड हमारे चैनल पे व्लॉग मिस भी कर रहे हैं हम लोग, सो आप मेरे प्यारे प्यारे व्लॉग्स को नहीं मिस करना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलती हूँ जल्दी ही कल नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज़ थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। बस सोचना है एंड एक्शन लेना है, एनी की देर है। एंड मेकअप आपको करना आता है नहीं आता है, आप खूबसूरत ही हैं। लालू, बाय बाय।